हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, एग्ज़ाम्स में कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गया है, 15-15 नंबर का, 12-12 नंबर का। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग बना पाए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। बड़ा है मतलब बेटे इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर एक टॉपिक को क्लास में डिवाइड कर लिए कि आज का टॉपिक में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट में कुछ नया पढ़ेंगे, इस तरह करके। बात समझ रहे हैं आप मेरा? क्या ये क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर बड़ा है तो टाइम लगेगा? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, टाइम लगेगा। आरटीपी में और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत है हम लोग के पास। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट होता है तो क्या होता है, वो इस चैप्टर के बारे में ये चैप्टर आपको बताएगा। गिव ए थॉट, हम बोल रहे हैं ए और बी दो लोग हैं, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं। फिर एक दिन सी बोलता है कि भाई हमको भी अपने साथ बिजनेस में ले लो, तो ए और बी तैयार हो जाते हैं और सी को ले लेते हैं। जब सी आता है तो क्या होता है? हम बोले बाबू जब सी आएगा तो सबसे पहला काम जो होगा वो हिस्सेदारी, जो शेयरिंग है वो चेंज हो जाएगा। पहले ए और बी 50% पार्टनर थे, मतलब 10 रुपया कमाएंगे तो 5 रुपया ए लेगा, 5 रुपया बी लेगा। अब सी आ जाएगा तो क्या प्रॉफिट बांटना सेम रहेगा? क्या 50% ए 50% बी लेगा? हम बोले नहीं, बदल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा कि सर अब प्रॉफिट बांटने का जो हिस्सेदारी होगा वो अलग हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो एक बात हम लोग पहला क्या सीखना है कि सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं एडमिशन के समय? हम बोले हाँ, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, एक बात ये सीखेंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक। और क्या होगा? हम बोले बाबू नया पार्टनर अगर बिजनेस में आएगा तो क्या वो खाली हाथ आ जाएगा? नहीं, वो कैपिटल लाएगा, क्योंकि पुराने पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई हम लोग इतना पैसा लगाए हुए हैं, तुमको ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो जितना वो हिस्सा लेगा उतना क्या देना पड़ेगा उसको? कैपिटल। बात समझते हैं आप मेरा? इसके अलावा और क्या देना पड़ेगा? पुराने पार्टनर ए और बी सी से बोल रहा है, भाई सी तुम देखो आज तुम इस बिजनेस में आ रहे हो तो आज इस बिजनेस का जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा है, तो तुमको गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। क्या ए और बी सही बोल रहे हैं? हाँ। जब ए और बी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो क्या उस समय लोग उनको जानते भी होंगे? नहीं, ए और बी के कंसिस्टेंट हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से वो बिजनेस आज बड़ा हो गया है, लोग जानने लग गए हैं, जिस कारण से उनका बिजनेस ईजली चल रहा है। तो अगर सी इस बिजनेस में आएगा तो क्या सी को एक चला हुआ बिजनेस में एंट्री मिल रहा है? हाँ। तो क्या सी को स्ट्रगल देखना पड़ा कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, कैसे कैसे मेहनत करें, जो ए और बी किया था? हम बोले नहीं सर, सी तो ऐसा बिजनेस में एडमिशन ले रहा है जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है। अब इस बिजनेस में सीधा सी को क्या होने वाला है? प्रॉफिट लॉस का कोई स्कोप नहीं है बिजनेस के साथ। हम बोले हाँ। तो क्या ये जो सक्सेस इस बिजनेस को मिला है क्या हम इसको गुडविल बोलेंगे? हम बोले हाँ सर, ये गुडविल ही तो है। तो क्या सी को, ए और बी को गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा? हम बोले हाँ, सी को गुडविल का पैसा भी लाना पड़ेगा। तो सर गुडविल का भी ट्रीटमेंट सीखेंगे, ऑलरेडी सीख लिए हैं दोस्त, हम याद दिला देंगे। तो सर गुडविल वाला बात सीख लिए, और क्या होगा सर? हम बोले बाबू एक बात सोचो, जब सी आएगा तो ए और बी का बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें कई सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे। जब सी आएगा तो सी क्या चाहेगा कि भाई हम जिस दिन आ रहे हैं हमको उस दिन का रियल एसेट्स लाइबिलिटीज़ का वैल्यू मालूम हो। ए और बी भी यही चाहेगा।
तो क्या करना पड़ेगा, एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन। तो एक बात सीखेंगे, रीवैल्यूएशन, बात समझ रहे हैं। जब सी आएगा तो रीवैल्यू करना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि बाबू जो बैलेंस शीट है ए और बी का, उसमें कई सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे हुए। क्या वो एसेट्स और लाइबिलिटीज में अधिकार सिर्फ ए और बी का है? हम बोले हाँ। सी के आने से पहले तक उस एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो राइट है वो सिर्फ ए और बी का है। जब सी आएगा तो फिर सी का भी राइट आ जाएगा एसेट्स लाइबिलिटीज में। तो हम बोल रहे हैं जब सी आए तो वो बैलेंस शीट में जो एसेट्स लाइबिलिटीज है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए उस दिन का वैल्यू जिस दिन सी आ रहा है। अगर सी 1 अप्रैल को एडमिशन ले रहा है तो बैलेंस शीट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल का होना चाहिए, एकदम सही। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कर बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बात समझ रहे? तो ये बात भी हम लोग को सीखना पड़ेगा। उसके बाद और क्या सीखना पड़ेगा सर? हिडन गुडविल सीख चुके, लास्ट क्लास में हिडन गुडविल का बात कर चुके हैं एडमिशन के समय। और फाइनली सर एक और बात और सीखना है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम बोले हाँ बाबू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेके, ये बात भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जेएलपी का बात भी कर लेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें तो हर बच्चा पूछ को कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर जेएलपी करते क्या है, ये बात हो गया। और क्या पढ़ना है बाबू? एक और पढ़ना है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, एकदम सिंपल सा है। रीवैल्यूएशन जिस दिन पढ़ाएंगे उसी दिन मेमोरेंडम भी पढ़ा देंगे और ख़त्म कर देंगे समझा के उस दिन। आज क्या पढ़ेंगे बाबू? आज पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। पहले कुछ बात, सर न्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम बोले आओ न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? हम बोले बहुत सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट्स रेशियो। बात समझ रहे हैं? दो तरह का क्वेश्चन है रेशियो में निकालने में, है तीन तरह का लेकिन अभी हम दो का डिस्कस कर रहे हैं। पूरे रेशियो में दो तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर एडमिशन लिया, नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि वो हिस्सा कौन दिया। आप बात सुन रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं बाबू? टाइप वन क्वेश्चन, ओल्ड पार्टनर ए और बी है, इनका रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर सी का एडमिशन हुआ, उसको हिस्सा दे रहे हैं 1/4, और फिर बोल रहा है बताइए न्यू रेशियो, खत्म, बस इतना ही। क्या जो नया पार्टनर को हिस्सा मिल रहा है 1/4, क्वेश्चन बता रहा है ये हिस्सा कौन दे रहा है? सर कौन देगा? ए और बी देगा। हम बोले हाँ ए और बी देगा, लेकिन कितना देगा, क्या ये बता रहा है क्वेश्चन? नहीं। हम बोले बाबू ये है टाइप वन। कैसे पहचानते हैं? सर ओल्ड रेशियो देगा, नया पार्टनर का हिस्सा देगा, फिर क्वेश्चन बताएगा ही नहीं कि इसको हिस्सा कौन दिया है और किस तरह से दिया है। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तो सर ये टाइप वन है, ये हमेशा एक तरह से ही सॉल्व होता है। हम बोले हाँ। मेरे साथ साथ आप लिखिएगा टाइप वन का एग्जाम्पल। टाइप वन कैसा होगा सर? ओल्ड रेशियो गिवन। हम बोले अच्छा, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नया पार्टनर का हिस्सा भी दिया रहेगा, फाइंड न्यू रेशियो। सर ये क्या है? टाइप वन, पुराना हिस्सा दिया रहेगा, नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा। कुछ नहीं बताएगा मतलब नया पार्टनर को जो हिस्सा मिला है वो कौन दिया है और किस तरह दिया है ये नहीं बताएगा। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं,
एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. देखो बाबू, ये टाइप वन है. कैसे पहचान रहे हैं? ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं. किस तरह? 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. सी को एडमिट किए कितना हिस्सा के लिए? 1/4. फाइंड न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो. क्या इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर सी है उसको जो हिस्सा मिल रहा है, क्या वो बता रहा है कि हमको हिस्सा कौन दिया है और किस तरह से दिया है? हम बोले नहीं सर, वो ये नहीं बता रहा. इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा. सॉल्यूशन, ओल्ड रेशियो, जैसे लिख रहे हैं एकदम वैसे लिखेंगे. कितना सर? 3:2. सी का हिस्सा कितना? 1/4. अब सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉफिट वन मान के ही सॉल्व कर सकेंगे. लेट द प्रॉफिट, हम क्या मान लिए कि सर प्रॉफिट 1 रुपया है. सबसे पहले सर ये जो प्रॉफिट 1 रुपया है ये कब का है? सी के एडमिशन लेने के बाद या सी के एडमिशन लेने से पहले? एडमिशन लेने के बाद. ये जो 1 रुपया का हम प्रॉफिट मान रहे हैं वो किसका मान रहे हैं? कि एडमिशन हो गया है तब 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया. हम बोले हाँ. अगर हम बात करें कि सी के आने के बाद का ये प्रॉफिट है, तो सर सर ये जो प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में बटेगा. हम बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये जो प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि ओल्ड में कैसे बांट सकते? ओल्ड में सिर्फ ए और बी है. तो 1 रुपया का जो प्रॉफिट मांगे हैं उसको न्यू में बांटना. क्या सी का हिस्सा नया है? हम बोले हाँ. तो सर सी तो अपना हिस्सा ले लेगा 1 रुपया के प्रॉफिट में. सी का हिस्सा, सी का हिस्सा लेने के बाद कितना प्रॉफिट बचा वो लिखिए. हम बोले सर 1 रुपया का प्रॉफिट आप कमाए थे, उसमें से सी कितना ले लिया? 1/4. तो कितना प्रॉफिट बच गया? 3/4. मेरा क्वेश्चन है जो 3/4 बचा है वो किसके लिए बच गया? ए के लिए और बी के लिए. तो हम बोले सर ए का हिस्सा. जो बचा है उसमें ए लेगा. 1 रुपया तो बचा ही नहीं है. कितना बचा है? 3/4. सर 3/4 क्यों? क्योंकि बाबू 1 रुपये जो कमाए थे उसमें सी तो अपना हिस्सा ले चुका होगा. तो 1 रुपया में अगर 1/4 सी अपना ले गया तो कितना बचा? 3/4. वो किसके लिए बचा? सी तो ले चुका है. तो सर दो ही लोग तो बचे हैं, ए और बी. ए और बी के लिए बचा. हम बोले हाँ. तो ए का हिस्सा निकाल रहे हैं. ए बोल रहा है भाई हमको हिस्सा दो. हम बोल रहे हैं दे रहे हैं दोस्त, 3/4 बचा हुआ है, हम ए को देने जा रहे हैं. कि भाई 3/4 में तुम्हारा हिस्सा भी है और बी का हिस्सा भी है. तो हम बोले सर बी जो 3/4 है उसमें ए को हिस्सा दीजिए. तो क्या हम लोग ए का हिस्सा जानते हैं? जी सर, जो 3/4 बचा है उसमें ए और बी दोनों का हिस्सा है. और ए और बी कैसे बांटते हैं? 3:2 में. तो सर ए का हिस्सा है 3/5. आउट ऑफ 3/4 जो 3/4 है वो तो बचा हुआ प्रॉफिट है जिसमें ए को हिस्सा देना है. तो ए को तो उसका हिस्सा देंगे ना. तो ए का हिस्सा कितना है? 3. आउट ऑफ कितना? 5. 3:2 का रेशियो में तो 3/5 कितना आएगा? क्या इसी तरह बी भी ले लेगा? हम बोले हाँ. बी बोलेगा बचा हुआ हिस्सा कितना था? हम बोले 3/4.
बी बोला मेरा हिस्सा भी दे दो, कितना हिस्सा है बी का 2/5। सर ये है ए का नया हिस्सा, ये है बी का नया हिस्सा, और सी का हिस्सा तो पता ही वो नया है, क्या न्यू रेशियो निकल जाएगा? हम बोले हाँ। अब मेरा बात को सुनेंगे, सी का हिस्सा कितना है 1/4। कभी भी अगर रेशियो बनाना हो तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है, मतलब अगर यहां 20 है यहां 20 है तो यहां भी कितना होना चाहिए 20। तो 20 करने के लिए जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई नीचे करेंगे वही नंबर ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, बात समझ रहे हैं? जैसे सी का बात करें, सर ए का तो नीचे 20 है, बी का नीचे भी 20 है, तो सी का नीचे जब तक 20 नहीं होगा ऊपर वाला को आप रेशियो बोल नहीं पाइएगा। तो सर बताइए यहां 4 है, 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। हम क्या बोले थे, जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उतना न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, कितना 5। अब देखो 20 20, ये भी कितना बन गया 20। जब डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर बराबर हो जाता है तो ऊपर वाले को रेशियो बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है बात। चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं, जब भी न्यू रेशियो निकाले जितना डिनोमिनेटर आया है 20 आया है, न्यूमरेटर को जोड़ के उतना बन जाना चाहिए। देखो 9 6 15 और 5 20, तो हम बोले सर डिनोमिनेटर 20 है और न्यूमरेटर को जोड़ेंगे ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो वो भी कितना बनेगा 20। पहला काम खत्म। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, क्या सेक्रीफाइस जानते हैं निकालने? जी सर। कैसे निकालेंगे, यहां पे जगह नहीं तो यहां निकाल रहे हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, सर ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए। ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का न्यू रेशियो 9/20, एलसीएम 20, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 6/20। क्या सेक्रीफाइस का रेशियो निकल गया? हम बोले हाँ। नीचे वाला जब बराबर होता है तो ऊपर वाला रेशियो, बात ठीक। अब इस सेक्रीफाइस का एक शॉर्टकट है, सुनिएगा ध्यान से। जब भी क्वेश्चन इतना में खत्म हो जाए, बस इतना में, इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, सर ओल्ड रेशियो बताया, सी का हिस्सा बताया, बस खत्म, आगे एक शब्द नहीं लिखे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना हो तो हम प्रॉफिट 1 मान के बनाते हैं। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर अगर ये वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड के बराबर होगा। क्या बोले? हम बोले बाबू अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ओल्ड रेशियो दे, नया पार्टनर का हिस्सा दे और बात खत्म कर दे, तो उस वैसे क्वेश्चंस में सेक्रीफाइस निकालने का जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रहेगा वही सेक्रीफाइस। बात समझ गए कि सेक्रीफाइस निकालना नहीं पड़ता, हम चेक करा दें कि वही आता है। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे? हम बोले बाबू एक बात हम लोग सीख गए कि सर टाइप 1 के क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से ही सॉल्व करना होगा, प्रॉफिट 1 मान के, बात ठीक। टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होता है सर? बाबू जिसमें नया पार्टनर को जो हिस्सा मिला होता है, क्वेश्चन नहीं बताता है वो हिस्सा उसको कौन दिया है और किस तरह दिया है, दोनों ही का जवाब नहीं होता तुम्हारे पास। तो ये था टाइप 1, समझ गए आप बात। टाइप 2 कैसा क्वेश्चन होगा? हम बोले बाबू टाइप 2 उस क्वेश्चन को बोलते हैं जिसमें नया पार्टनर को जो हिस्सा मिल रहा है वो क्वेश्चन बताएगा कौन दे रहा है और किस तरह दे रहा है, बात समझ रहे हो? हम क्या बोले? हम बोले सर टाइप 2 का क्वेश्चन को वैसा क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन बता देता है कि नए पार्टनर को हिस्सा कौन दे रहा है और किस तरह दे रहा है, बात ठीक। तो हम बोले टाइप 2 ओल्ड रेशियो इज गिवन, एंड क्वेश्चन
स्पेसिफाइज द सैक्रिफाइस, पुराना रेशियो दिया रहेगा और क्या बताएगा कि नया पार्टनर को हिस्सा कौन दे रहा है और किस तरह से दे रहा है। मेरे साथ साथ लिखिएगा एग्जांपल। पहला टाइप क्या था सर? पहला टाइप था ओल्ड रेशियो दिया रहता था लेकिन यह नहीं बताता था कि नया पार्टनर को हिस्सा कौन दे रहा है और किस तरह से दे रहा है। दूसरा टाइप क्या है? ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और क्वेश्चन बताएगा कि सर कौन पार्टनर दे रहा है और कितना दे रहा है नए पार्टनर को। ठीक बात। एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted for 1/5 share, which he gets equally from A and B. Find new ratio and सेक्रीफाइस रेशियो। देखो इसको चुन ध्यान से। ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी कितना का एडमिशन लिया है? 1/5 हिस्सा के साथ। विच ही गेट, देखो बता रहा है क्वेश्चन, जो सी को मिला है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से बराबर बराबर। फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब जो सी को मिला है वो कौन दिया है? ए और बी इक्वल बराबर बराबर, और निकालना क्या है? न्यू रेशियो। क्या ये टाइप टू है? हम बोले हाँ सर, इसमें तो बता दिया है कि कौन दे रहा है और कितना दे रहा है। जब ये इस तरह क्वेश्चन रहता है बाबू तो प्रॉफिट वन मान के नहीं बना सकते। नहीं बताता है कौन दे रहा है और कितना दे रहा है तो प्रॉफिट वन मान के बनाते हैं, लेकिन मैं बता देगा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है तो प्रॉफिट वन मान के नहीं बना सकते। मेरे साथ साथ चलिएगा। सॉल्यूशन क्या दिया है क्वेश्चन में सर? ओल्ड रेशियो, थ्री इज टू टू, और सी का हिस्सा भी दिया हुआ है कितना? 1/5। ये हिस्सा कौन दिया है बाबू? सर ए और बी दिया है। किस तरह दिया? इक्वल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ए और बी सेक्रीफाइस किया है इक्वल? सेक्रीफाइस रेशियो यही है। हम बोले हाँ ए और बी सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ए और बी जो देगा वही तो सी को मिलेगा, तो जो देता है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा होता है और जो ले रहा होगा वो गेन कर रहा होगा। हम बोले हाँ, तो हम बोले बाबू ए का सेक्रीफाइस, ए क्या बोल रहा है? सी को जो मिला उसमें हम और बी दो लोग हैं और दोनों ही बराबर बराबर दिए। सी को जो मिला, सी को कितना मिला? 1/5। उसमें ए और बी बराबर, मतलब आधा, दो लोग हैं बाबू तो कितना से मल्टीप्लाई किए? 1/2। सर अगर ए बी और डी तीन लोग होते और तीनों ही बराबर देते हैं तो क्या लिखते हैं? ए बोलता जो सी को मिला, ये किसका है हिस्सा? सी का। जो सी को मिला उसमें हम कितना दिए? इक्वल। इक्वल का मतलब जितने लोग हैं उतने से डिवाइड। इसमें कितने लोग हैं? ए और बी, तो 1/2। सर अगर मान लीजिए डी भी होता, ए बी और डी, तो कितना डिवाइड करते? 1/3। इक्वल। बात समझ रहे आप मेरा? तो हम बोले सर ए का सेक्रीफाइस है 1/10। हम बोले गुड। क्या बी का सेक्रीफाइस भी यही आएगा? ऑफ कोर्स। बी क्या बोलेगा? जो सी को मिला, सी को तो 1/5 मिला, उसमें हम और ए दोनों बराबर दिए। तो सर बी और ए दो ही लोग तो हैं, बराबर मतलब आधा, 1/2।
तीन होता तो बराबर का मतलब 1/3 सेक्रीफाइस निकल गया। हम बोले बाबू अगर कभी चेक करना हो कि जो हम सेक्रीफाइस निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं, तो जैसा हम लोग अभी बात किए हैं कि सर सी को क्या मिलता है जो ए और बी छोड़ता है, जो ए और बी सेक्रीफाइस करेगा वही तो सी को मिलेगा। तो हम बोल रहे सर ए छोड़ा इतना बी छोड़ा इतना, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो सी का हिस्सा बन जाएगा। हम बोले हाँ आओ चेक करा देते हैं, 1/10 + 1/10 ये किसको मिल रहा है, सी को। सॉल्व करो सर 2/10, सॉल्व करो सर 1/5, क्या सी को 1/5 मिला है। बोले हाँ तो आप सही बना रहे। तो एक बात दिमाग में और बैठा कि सर अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस बता दे और सी का हिस्सा ना बताए, तो हम सेक्रीफाइस को जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक नया पार्टनर का हिस्सा बन जाएगा। हम बोले बिल्कुल, अगर कभी ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिले, हम लोग लेंगे एग्जांपल कि जिसमें ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस निकालने का इंफॉर्मेशन है वो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन नया पार्टनर का हिस्सा नहीं बता रहा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे। हम बोले कुछ नहीं सर, सेक्रीफाइस जो निकलेगा वो ऑटोमेटिक किसको मिलेगा, नया पार्टनर को, तो सेक्रीफाइस को जोड़ेंगे तो नया पार्टनर का हिस्सा निकल जाएगा। हम बोले एकदम करेक्ट। तो सर सेक्रीफाइस निकल गया, क्या हम लोग न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखे हैं बाबू, पढ़ो तो एक बार ऊपर में क्या लिखे हैं सर, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का सेक्रीफाइस 1/10, 5/10, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, बी का सेक्रीफाइस 1/10, 3/10, न्यू रेशियो निकल गया तीनों पार्टनर का, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 5/10, 3/10, 1/5। सर सी का हिस्सा 1/5, यहाँ 10 10, क्या करेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ जाएगा। सर चेक कर लीजिए सही बनाए। हम बोले देखो नीचे में कितना आया 10, तो न्यूमरेटर जो ऊपर में है उसको जोड़ के कितना बनना चाहिए 10, देखो 10 बन रहा है। सेकेंड सेक्रीफाइस भी निकाल लीजिए सर। हम बोले आओ निकालें, सेक्रीफाइस कौन करेगा सर, ए और बी, क्या ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, क्यों करेंगे बाबू, सेक्रीफाइस तो निकला हुआ है, कितना 1/10 1/10, क्या रेशियो बन जाएगा, जी सर इक्वल 1:1, बात समझ रहे हैं आप मेरा, लिखिए। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि सर एक और देखते हैं, एक्स वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, उन्होंने जेड को एडमिशन किया कितना में, 1/5, विच ही गेट फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1, क्या ये क्वेश्चन टाइप 2 है। हम बोले हाँ, जेड को जो हिस्सा मिला है उसके बारे में बताया है कौन दिया है और कितना दिया, बात ठीक बोल रहा है, वही निकालना है न्यू रेशियो सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे, क्या टाइप 2 में प्रॉफिट 1 मान के बना सकते हैं। हम बोले नहीं नहीं बनेगा। सल्यूशन, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स y, z का हिस्सा कितना 1/5, ये कौन दिया है, x और y दिया है, क्वेश्चन बोला है, किस तरह दिया है सर 2:1, तो सर x का सेक्रीफाइस वैसे ही बनाएंगे बाबू, टाइप 2 ऐसे ही बनता ही है, सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। x का सेक्रीफाइस, x बोल रहा है जो z को मिला है उसमें हम और y, x और y दिया है, कितना सर, x बोल रहा है भाई हम तो 2/3 दिए, y का सेक्रीफाइस, y बोल रहा है जो z को मिला उसमें हम कितना दिए, 1/3, 2:1 के रेशियो में 2 तो x का है तो y का कितना है 1, तो सर 1/3 कितना आया 1/15, क्या ये करेक्ट है। हम बोले चेक कर सकते हैं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो किसको मिलेगा, x के बराबर,
क्योंकि सर जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वही तो बनता है नए पार्टनर का हिस्सा। हम बोले हाँ, तो जब बना रहे हो तो चेक कर लो कि हाँ 2/15 और 1/15 को जोड़ेंगे तो क्या 1/5 बनेगा। अगर बन गया तो आप सही बना रहे हैं, और नहीं बना तो गलत। तो सेक्रीफाइस मिल गया है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है बाबू? सर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस का शेयर को माइनस कीजिए। हम बोले हाँ, ओल्ड रेशियो 3/5, सेक्रीफाइस 2/15, एलसीएम 15, 9-2 7/15। वाई का ओल्ड रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस 1/15, एलसीएम 15। क्या न्यू रेशियो सबका निकल गया? हम बोले हाँ। एक्स वाई जेड का सर सब जगह 15 करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सेक्रीफाइस भी निकाल लीजिए सर। सेक्रीफाइस कौन किया सर? एक्स वाई कितना सर? 2/15, 1/15 कितना आएगा? 2:1। बात देख रहे हैं क्या? टाइप टू में और भी वैरायटी है? हम बोले हाँ, आओ देखो तुमको दिखाएं वैरायटी टाइप टू का। एग्जांपल नंबर 3, एक्स और वाई पार्टनर हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट 1:1 मतलब बराबर। जेड इज एडमिटेड, जेड को एडमिट किए, हिस्सा नहीं पता। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। एक्स क्या बोल रहा है कि हम अपने हिस्से का 1/3 दे देंगे, वाई बोल रहा है हम अपने हिस्से का 1/4 दे देंगे। किसको? जेड को। न्यू रेशियो सेक्रीफाइस। सर इस क्वेश्चन में तो जेड का हिस्सा बताया ही नहीं। हम बोले कौन सा बड़ा बात बाबू? क्या हम लोग ये सीख लिए हैं कि सर जो सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर देगा उसको जोड़ने से नए पार्टनर का हिस्सा बन जाता है? बोलो हाँ। तो सर सेक्रीफाइस तो बताया है, एक्स कितना बोला? अपने हिस्से का। एक्स बोल रहा है अपने हिस्से का 1/3, वाई बोल रहा है अपने हिस्से का 1/2। किसको दे देंगे? जेड को। तो सर एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस तो निकाल सकते हैं। हम बोले बस काम बन जाएगा। आओ सॉल्यूशन, क्या ये भी टाइप टू है? हाँ बाबू वैसे ही बनाएंगे, आप देखना ऐसे ही रहने देंगे हर चीज को। ओल्ड रेशियो कितना सर? 1:1। जेड का हिस्सा? हम बोले हमको क्या पता, बताया ही नहीं। लेकिन हाँ एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स क्या बोल रहा है? एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स बोल रहा है हम अपने हिस्से का 1/3 दे देंगे। एक्स का खुद का हिस्सा कितना? हम बोले 1/2। देखो बराबर का हिस्सेदार है तो एक्स का हिस्सा कितना? 1/2। इसमें वो कितना दे देगा? 1/3। तो सर एक्स का सेक्रीफाइस। सेम वाई के लिए, वाई बोल रहा है जो मेरा हिस्सा है, वाई का हिस्सा कितना है सर? 1/2। वाई का हिस्सा 1/2 इंटू कितना देगा सर? 1/4। क्या बाबू ये दोनों हिस्सा जेड को मिल जाएगा? बोलो हाँ सर जेड को मिल जाएगा। आओ आगे बढ़े तो सर जेड का हिस्सा निकल जाएगा। कितना सर? एक्स का सेक्रीफाइस प्लस वाई का सेक्रीफाइस 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम सर 24, 4+3 7/24। आओ आगे बढ़े, अब क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। क्या न्यू रेशियो का फॉर्मूला सीख लिए हम लोग? हाँ, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। सर एक्स का ओल्ड रेशियो 1/2, एक्स का सेक्रीफाइस 1/6, एलसीएम 6। वाई का ओल्ड रेशियो 1/2, सेक्रीफाइस 1/8, एलसीएम 8।
क्या हम लोग न्यू रेशियो निकाल लिए? जी, 2/6, 3/8 और 7/24। सर नीचे वाला इक्वल होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिएगा तभी ऊपर वाला रेशियो बनेगा। आओ इक्वल करें, किससे मल्टीप्लाई करके? सर ये मल्टीप्लाई 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से। रेशियो सर 8:9:7। क्या चेक कर सकते हैं? हाँ सर, नीचे वाला 24 है तो ऊपर वाला जोड़ के भी कितना बनना चाहिए? 24, 8, 9, 7 जोड़ लो, क्या 24 बन रहा है? हाँ सही बनाए। आओ सेक्रीफाइस निकाले, 1/6, 1/8 बराबर करो। सर इसको 24 करिए, लो नीचे में 24 हो गया, सेक्रीफाइस कितना है? समझ रहे हैं आप बात मेरा? तो ये था हम लोग का कुछ बेसिक क्लास रेशियो के ऊपर की सर कैसे निकालते हैं। हम बोले दो तरह का क्वेश्चन है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्वेश्चन किसको बोलते हैं सर? जिसमें ओल्ड रेशियो बताएगा, नए पार्टनर का हिस्सा बताएगा और क्वेश्चन खत्म। वो ये नहीं बताएगा को नया पार्टनर को हिस्सा कौन दिया है और कैसे दिया। बात समझते हैं आप बात मेरा? तो हम बोले सर उस तरह के क्वेश्चन को प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ता है, जो हम लोग देख लिए बना के। दूसरा टाइप का क्वेश्चन सर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बताएगा, नया हिस्सा, नया पार्टनर का हिस्सा बताएगा और फिर ये जरूर बताएगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के फेवर में। मतलब सर नया पार्टनर को जो हिस्सा मिला है वो कौन दिया है और किस तरह से कितना दिया है, ये भी क्वेश्चन बताएगा। अगर इस तरह से बताएगा तो हम लोग क्या करते हैं सर, सीधा सेक्रीफाइस निकालते हैं, 1 प्रॉफिट मान के नहीं बना सकते हैं आप उसको। इस पे हम लोग कुछ वैरायटी ऑफ सम देखें। क्या क्वेश्चन कभी भी इसका एग्जाम में आया है? नहीं, कभी एग्जाम में नहीं आया, क्यों आएगा बाबू? लेकिन क्या 2 नंबर में कभी पूछ देगा तो आप मना कर दीजिएगा? नहीं, 12th वाला चीज है, लेकिन इसका यूज होगा। हम बोले हाँ बड़े क्वेश्चन में इसका यूज होगा। वो क्या करेगा? वो आपको ओल्ड रेशियो दे देगा, पार्टनर का हिस्सा दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि बनाइए, तो वहां पे आपको जरूरत होता है सेक्रीफाइस का। तो जब तक न्यू रेशियो निकालेंगे नहीं, सेक्रीफाइस कैसे मालूम चलेगा? आप बात समझ रहे बाबू? कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए। क्यों? क्योंकि आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ इसलिए बनना है कि एग्जाम पास कर जाएं? बिल्कुल नहीं, नॉलेज के लिए भी तो बनना होगा सर। दुनिया की निगाहें आप पे है, लोग मानते हैं कि भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी क्वालिफाइड और काफी इंटेलिजेंट होते हैं। क्या हम उन्हें ये साबित कर देंगे कि नहीं बस हमको तो 50 नंबर लाना है, बात खत्म? बिल्कुल नहीं। कल को CA बनेंगे तो दुनिया आपको देख रही होगी। तो क्या CA को सब आता है? सब आता है, इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या पढ़े हम लोग? सिंपल सा टॉपिक, नाम क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।